तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर ये कहा गया है कि ये देश का पहला शहर बनेगा जहां पर CBTC सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा या कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे दोस्तों बहुत ही ज्यादा लंबे समय से यह चर्चा हो रही है कि मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर सिग्नल्स को अपडेट किया जाएगा CBTC के साथ में। अब जिनको CBTC के बारे में थोड़ा आइडिया होगा उनको पता होगा कि यह मेट्रोस के अंदर इस्तेमाल की जाती है ड्राइवरलेस ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए, और बेसिकली ट्रेन दूसरे ट्रेन के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है, जिसके वजह से जो एक काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर रखना पड़ता है ह्यूमन कंट्रोलिंग की वजह से वो कम हो जाता है। ये कहा गया है अश्विनी वैष्णव जी के जरिए कि जो अराउंड जनरली 180 सेकंड्स का हेडवे है उसको कम करके 150 तक ले आया जा सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ, इन्होंने बोला है कि कवच का इस्तेमाल किया जाएगा ये CBTC एनेबल करने के लिए, ताकि एंटी कोलिजन सिस्टम बनाया जा सके और दुनिया के अंदर जो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है ये नॉर्मल रेलवे के लिए यूज नहीं किया जाता। मेट्रोज कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होती है, और हमारी अगर रेलवे को देखें मुंबई के आसपास में तो मल्टीपल लाइंस है, मल्टीपल इंटरचेंजेस है, कई सारे फ्रेट यार्ड्स है, कई सारी लाइंस जो है वो अलग तरीके से आती जाती है, कुछ पे लोकल्स है, कुछ पे सिर्फ आउट स्टेशन है। तो देखते हैं किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अयोध्या से रिलेटेड, जहां पर एक बाईपास बनाने के लिए कई सारी कंपनीज ने बिड्स जीती है। तो 17 कंपनीज का नाम यहां पर आया है और यहां पे कई पैकेजेस भी थे जिसके लिए अलग अलग बिड हुआ है। तो वैसे NHAI का ये प्रोजेक्ट है और HAM यानी कि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पे इसको बनाया जाएगा। 67.57 किलोमीटर का ये टोटल बाईपास होगा और यहाँ पे मेजरली जो अयोध्या है और फैजाबाद है इन शहरों के पास में एक काइंड ऑफ रिंग रोड बनाने का ये आधा काम ही कंप्लीट कर देगा, आधा रिंग रोड में भी बाद में बनाया जाए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 से रिलेटेड, और यहाँ पर बेसिकली इसका इनॉग्रेशन हो गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इसके वजह से गिफ्ट सिटी को मेट्रो कनेक्शन मिल गया है। तो दोस्तों ये जो मेट्रो है ये बेसिकली अहमदाबाद से गांधीनगर और गांधीनगर से गिफ्ट सिटी ऐसा ट्रैवल करती है, और इसके वजह से एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गिफ्ट सिटी में कनेक्ट हो गया है। आप में से कोई अगर गिफ्ट सिटी गया होगा तो आपको पता होगा कि ये काइंड ऑफ दूर है शहर से, फिलहाल की गाड़ी के बिना यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट यहाँ पे एक समय के बाद में ओला वगैरह मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने लोग आते जाते नहीं है। लेकिन मेट्रो के होने की वजह से यहाँ पर अचानक से बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग रिलायबली ट्रैवल कर सकेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पेटस प्रोवाइड करेगा इस शहर के ग्रोथ के लिए। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो अडानी ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो प्लेज करते हैं ₹4.058 लाख करोड़ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन इन जैसे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। 4th ग्लोबल रिन्यूएबल प्लेजेस के हिसाब से ये रजिस्टरिंग में आता है, और यहाँ पर 2030 तक मेजर इन्वेस्टमेंट्स होगी इन्होंने कहा है। करेंटली ये जो कंपनी है इनके पास में 11.2 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी है, और ये चाहते हैं कि 2030 तक इसको बढ़ाकर वो 50 गीगावाट कर दे। तो बड़ा टारगेट है, काम भी वैसे हो रहा है, देखते हैं आगे किस तरीके से चीजें प्ले आउट करेगी। अगली खबर दोस्तों जो है वो आसाम से, जाके CM के द्वारा कहा गया कि डसॉल्ट सिस्टम जो कि एक एयरलाइंस एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने आसाम के अंदर एक ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग हब बनाने का डिसीजन लिया है। तो ये फ्रेंच कंपनी है और इन्वेस्टमेंट जो ये करेंगे ट्रेनिंग सेंटर के लिए वो 240 करोड़ की होगी। ये गुवाहाटी के पास में होगा और बेसिकली जो कंपनी है ये रफाल का जो हमारा प्लेन है उसको बनाने का काम करती है, और ये यहाँ पे बेसिकली आसाम के अंदर ट्रेनिंग के साथ साथ एक और काम करेगी। कुछ कुछ जो पार्ट्स है रफाल के अंदर वो 3D प्रिंटिंग के जरिए वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसका भी एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे हो सकता है। और इसके वजह से आसाम में जो यूथ है और उनके अंदर स्पेशली जो ज्यादा पढ़े लिखे यूथ है उनको अपने स्टेट्स में ही एक हाई एंड जॉब करने का मौका मिलेगा। वैसे दोस्तों 240 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 200 करोड़ डसॉल्ट करेगी और 40 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक न्यू क्रूज टर्मिनल से रिलेटेड। तो दोस्तों मोरमुगाव पोर्ट अथॉरिटी जो है गोवा के पास में, इन्होंने ये देखा है कि पिछले साल के अंदर 40% इंक्रीज हुआ है क्रूज पैसेंजर्स की वजह से। तो यहाँ पर इसके हिसाब से गवर्नमेंट ये देख रही है और जो लोकल बिजनेस है वो भी देख रहे हैं कि क्रूज इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ रही है। हमारे देश के अंदर पहले क्रूजेस आती ही नहीं थी, लेकिन अभी कुछ कुछ क्रूजेस चलती है कुछ कुछ जगहों पे, और गवर्नमेंट का एक स्पेशल पॉलिसी है जिसके अंतर्गत टर्मिनल्स को डेवलप भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि न्यू क्रूज टर्मिनल बनाने का प्लान सामने रखा गया है, और साथ साथ जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि गोवा को कॉम्पिटेटिव बनाएगा ग्लोबल क्रूज मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया गया है और गवर्नमेंट को प्रपोजल भी दिया गया है। अब देखते हैं किस तरीके से अपग्रेडेशन का काम होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से रिलेटेड, जहां पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हेल्थ कार्ड बनाया है दिल्ली के 56 वाटर बॉडीज के लिए, और इसके लिए सर्वे किया है। इसके अंदर 36 वेटलैंड्स, 19 अपॉइंटेड वेटलैंड्स मित्रास इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड है इसके अंदर इनकी एरिया, हाइड्रोलॉजी, बायोडायवर्सिटी और इनका गवर्नेंस किस तरीके से होता है सब इंक्लूड किया गया है। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके
साथ में भी इसको शेयर किया गया है। अब यहाँ पे बेसिकली गोल इसका यह है कि जो हेल्थ कार्ड है इसके सबसे समझ में आएगा कि कौन से वाटर बॉडी को कितने ध्यान की जरूरत है और अकॉर्डिंगली जो प्रोटेक्शन का काम होता है वाटर बॉडीज के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूपी से, जहां पर बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिरना शुरू हुई है उसका फायदा यूपी उठा सकता है और 700 to 1000 स्मॉल एंड मीडियम साइज गार्मेंट एंड टेक्सटाइल यूनिट जो है बांग्लादेश में शट डाउन हो चुकी है, जिसके बाद में वो भारत की तरफ फिर से रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे तो तिरुपुर सबसे ज्यादा खुश है सदर इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ से मेजर इंडस्ट्री बांग्लादेश गई थी, लेकिन इसके अलावा गुजरात के अंदर कुछ कंपनीज है और मेनली यूपी यहाँ पे वापस इन्वेस्टमेंट पाते हुए देखेगा। तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने भी काम शुरू कर दिया है, जहाँ पर लखनऊ हरदोई रोड पर एक अपकमिंग टेक्सटाइल पार्क है 1162 एकर्स में फैला हुआ, वहां पर गवर्नमेंट जो है कंपनीज को अट्रैक्ट करने के हिसाब से काम कर रही है और ऑलरेडी यहाँ पर अरविंद मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का टेक्सटाइल वाला पार्ट है, अहूजा टेक्सटाइल मिल्स, इन्होंने प्रपोजल्स रखे है फिर से यहाँ पे आके अपना काम शुरू करने के लिए और 400 छोटे बड़े यूनिट्स यहाँ पे बनने की कैपेसिटी दिख रही है, इसकी वजह से 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वैसे दोस्तों जिनको नहीं पता, हमने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश को खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के दी थी ताकि बांग्लादेश हमारे साथ में अच्छा रिलेशन रखे और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी था पॉलिसी, लेकिन अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हो गई, आप जानते हो वो ज्यादा इंडिया से फ्रेंडली है नहीं, तो इकोनॉमिकली यहाँ पे इंडिया अपना गेम खेल रहा है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो श्लोक श्रीवास्तव पूछते हैं, अ व्हाइल बैक सीएजी केम आउट विद अ रिपोर्ट हाइलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल राइडरशिप फॉर वेरियस मेट्रो सिस्टम्स अक्रॉस द कंट्री, व्हाई इज देयर सच अ मैसिव डिस्क्रिपेंसी एस्पेशली व्हेन वी आर स्पेंडिंग करोड़ एवरी टाइम टू प्रिपेयर डीपीआर समटाइम्स मल्टीपल डीपीआर फॉर सेम लाइन, ऑल्सो डू यू थिंक पार्ट ऑफ द रीजन इज सिंपली बिकॉज द सिस्टम्स आर नाउ आर न्यू पीपल haven't gotten used to it and especially lack of network effects on most systems. For example, Delhi with the largest network and second oldest outperformed other metro system in terms of actual ridership as percentage of projected ridership stats. It makes sense to me but I have not seen this factor considered in any reporting on this. देखो CAG की जो major reports अगर आप पढ़ोगे ना, चाहे वो metros के लिए हो या फिर highways वगैरह के लिए भी, बहुत सारे factors को consider किया ही नहीं गया है। Basically जो है details में जाने के बदले ऊपर ऊपर से दिया गया है। मैं एक example देता हूँ, जैसे दिल्ली के पास में जो द्वारका रोड बना वो elevated बनाया गया कई कारणों के वजह से, नीचे के ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करना था, जो रोड है उसको प्रॉपरली एक्सेस कंट्रोल रखना था, बीच में कोई घुस ना जाए, टू व्हीलर ट्रैफिक को सेपरेट करना था, लैंड बहुत महंगा है नीचे, इन चीजों को कंसीडर करते हुए ऊपर से रोड बनाया गया। और बाद में जो सीजी की रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि अगर ये सेम रोड ग्राउंड के ऊपर बनता तो ये कंपैरेटिवली एलिवेटेड रोड से सस्ता होता, लेकिन फिर भी हमने मल्टीपल टाइम्स पैसे खर्च कर दिए एलिवेटेड रोड पे, लेकिन एलिवेटेड रोड के पीछे रीजंस क्या थे वो ठीक से बताए नहीं गए। कुछ रोड्स और थे जिसके ऊपर एनिमल ओवरपासेस बनाए गए थे, ओवरपास की जरूरत नहीं है लेकिन जानवरों को गुजरने के लिए जो है जमीन बनाई गई, तो उनको भी कंसिडर कर दिया गया कि जमीन पे बनाते तो सस्ता हो जाता, यहाँ पे प्राइस जो है वो ठीक से कैलकुलेट नहीं की गई। अब कई मेट्रो सिस्टम्स के अंदर प्रोजेक्टेड राइडरशिप जो है ना वो स्टैगर्ड होती है ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर के हिसाब से, लेकिन कई बार जो है ऐसे रिपोर्ट के अंदर क्लियरली सीधा सीधा जो फाइनल राइडरशिप है उसको इंक्लूड कर दिया गया है। एग्जाम्पल देता हूँ, जो बुलेट ट्रेन का अगर आप देखोगे NHRCL का, तो 2050 तक का उन्होंने दे रखा है कि कैसे कैसे राइडरशिप बढ़ेगी और उसके हिसाब से ट्रेन की संख्या फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी वो भी उन्होंने लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे अभी बुलेट ट्रेन रेडी तो नहीं है, लेकिन कुछ और सिस्टम जो रेडी है मेट्रोज वगैरह, वहाँ पे सीईजी के अंदर रिपोर्टिंग कुछ इस तरीके की होती है। दिल्ली मेट्रो के आज अगर हम सक्सेसफुल बोलते हैं सब बोलते हैं, लेकिन जब शहीद स्थल से लेकर रितला तक पहली लाइन खुली थी तो उस समय पर भी जो एक लाखों की राइडरशिप एक्सपेक्टेड लोगों को थी वो नहीं हुई थी। मुंबई मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 जो एक 2 साल और 3 साल पहले रिस्पेक्टिवली खुली है, ये लाइन भी जब खुली थी ना तभी भी लिटरली डेली का इनपुट उनका थाउजेंड्स में था, अब जाके जो है वो लाखों तक पहुंच चुका है और इनफैक्ट 100 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, लाइन 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। पुणे मेट्रो जो है वो 3-4 हजार लोग यूज कर रहे थे, आज जो है तकरीबन 1.5 लाख लोग यूज कर रहे हैं। सेम विद बेंगलुरु मेट्रो। तो मेट्रोस का भी नेटवर्क इफेक्ट होता है, जितने जंक्शंस बनते हैं, जितनी लंबी लाइन बनती है, जितना अवेयरनेस होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इनके हिसाब से राइडरशिप प्रोजेक्ट की जाती है और एक ब्रांड न्यू खुले हुए मेट्रो लाइन को सक्सेसफुल या फेलियर बोला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल एक और अगर हम ले तो मुंबई के अंदर उरण से लेके बेलापुर के बीच में एक नई लोकल ट्रेन लाइन बनी है जिसके ऊपर ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है, तो क्या इस लाइन को अभी फेलियर बोल दिया जाएगा? लेकिन ये लाइन जो है वो वही लाइन है जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी और यहाँ पे डेवलपमेंट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो क्या ये लाइन वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी? तो इस तरीके के प्रोजेक्शंस के ऊपर बात करना कहीं ना कहीं पे सही नहीं है। सीएजी के रिपोर्टिंग के तरीकों बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया है, खुद भी अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो कुछ कुछ लूपहोल्स इतने बेसिक होते हैं जो कोई भी फर्स्ट इंस्टेंस में आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे ये बात कंसिडर क्यों नहीं की गई। हाँ, ये रिपोर्ट्स हमें जरूर कुछ असली इनसाइट्स भी देती है जहाँ पे कुछ गलत चीजें हो रही थी उसको सही करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस देश के अंदर टाइम पास चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल सक्सेस का बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू फेलियर का, ना सिर्फ देश में लेकिन दुनिया भर के अंदर, तो वो चीजें समझना भी जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी और मिलेंगे अगले वीडियो।